लाठी के सब्जी मंडियों की एक बहुत बड़ी आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सरकार का MLA बने और यहाँ बन करके तैयार हो गए। तो इन लोगों ने स्वागत समारोह रखा था, साथ में भोज का आयोजन भी रखा इस खुशी में, जीतने की खुशी में। लेकिन थोड़ा मन भी मलिन है कि सरकार नहीं बनी। लेकिन कभी कभी रावण का भी ब्रह्मांड में राज था, इसका यह मतलब नहीं कि राम नहीं जन्म लेंगे, राम नहीं पैदा होंगे, वाल्मीकि का रामायण लिखा नहीं जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं लिखा जाएगा। आने वाले समय में हम संघर्ष के साथ, दूनी उत्साह के साथ निरंतर काम करेंगे और जो विजन है, जो हिंदुत्व का विजन, उसको भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता पूर्ण करेंगे। आज हमारे सभी जितने भी साक्षी सब्जी मंडी के सब्जी जो दुकानदार भाई थे, आड़तिया दुकानदार सब मिल के जो हम लोग प्रोग्राम बनाए कि हमारे माननीय विधायक श्री सरू राय जी जो है जीते हैं और हमारे भाजपा नेता वरिष्ठ जो अभय सिंह आए हुए हैं, बाकी सब्जी में जी मंडी में जितने भी अरुण सिंह जो भी जितने आए हैं सबको हम लोग सम्मान दिए, अंग वस्त्र दिए, पुष्प दे के सबको सम्मानित किए। मैं कि सबसे बड़ी यही काम करूं ताकि हमारे आने वाले समय में इनका हमेशा हाथ हमारे सर पर बना रहे। मैं सब्जी मंडी वाला आशा करता हूं कि हमेशा हमारे सर पे ये लोग आशीर्वाद देते रहे ताकि हम सब्जी मंडी भले बुरे और आगे बढ़ें। आज जो है सब्जी मंडी के तरफ से श्री सरजू राय जी जो जीत के खुशी में उनका स्वागत किया गया है और उनके साथ अभय जी भी थे और पूरे बाज़ार के लोग उनका माला पहना करके और वस्त्र धारण करके उनको जो है स्वागत किया। और इस स्वागत के साथ साथ जो भोजन हम लोगों का बिहार का होता है, लिट्टी का भी आयोजन किया गया जिसको हम लोग प्रेम से पूरे मंडी वाले खा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। मैं धनंजय राय, साक्षी सब्जी मंडी दैनिक विक्रेता संघ का अध्यक्ष, और सरू राय की जीत से हमें बहुत खुशी और उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में विकास की जो गति है वो रफ्तार से बढ़ेगी, जो पिछले सरकार में पूरी की पूरी रुक चुकी थी विकास की गति और काफ़ी परेशानी था मंडी में। और राय जी से अनुरोध किया गया तो राय जी ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाएगा, सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। कितने लोग आज जुटे थे सब्जी मंडी? आज करीब 400-500 लोग थे हम लोगों के पास और सारे दुकानदारों ने मिलकर उनका स्वागत किया, हृदय से स्वागत किया, जय जयकार के नारे लगे। क्या बोलना चाहेंगे सब्जी मंडी में इतने स्वागत पहला बार हुआ सरजू राय जी का? माननीय विधायक जी के प्रचंड जीत के अवसर पे आज हम दैनिक सब्जी हरी विक्रेता संघ के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और विधायक जी से भी हम लोग ने उम्मीद रखेंगे कि मंडी के बारे में वो अपना ध्यान देंगे। क्या बोलना चाहेंगे बाजार, साक्षी बाजार का मेन झारखंड का बहुत बड़ा बाजार है। आज जो है जो हमारे बीच में माननीय विधायक सरजू राय जी आए और उनका सम्मान किया गया और जो है सब्जी मंडी का जो समस्या है उसके लिए मैंने जो है उनसे बात किया और कहा कि जो है सब्जी मंडी में पूरा गंदगी फैला हुआ है, नाली टूटा हुआ है और जो है हर जगह से रोड टूटा हुआ है, वहाँ 5-6 गेट हैं, सभी गेट जो है टूटा हुआ है, वहाँ आकर के पेशाब लोग कर देते हैं और असामाजिक तत्व के लोग शाम को आकर के जमवड़ा करते हैं, जिसके लिए हमने माननीय विधायक जी से कहा कि आप इस पर जो है अमल करके जितना जल्द हो सके सब्जी मंडी जो जंगली मंडी के नाम से जो है जाना जाता है उसको व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और पानी से बचने के लिए और एक टीना सेट का भी व्यवस्था किया जाए जिसे गरीब जनता जो सब्जी बेच करके अपना जीविका चलाते हैं अच्छी तरह से रहें और खुशहाल रहें, यही मेरी कामना है। अमरनाथ सिंह, मुख्य संरक्षक, सब्जी मार्केट।